विश्व प्रसिद्ध नारायण धाम कृष्ण स्थल पर भगवान श्री कृष्ण को पुलिस के द्वारा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया, साथ ही भगवान श्री कृष्ण को पालकी में विराजमान कर गांव में भ्रमण भी कराया गया। उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर स्थित नारायण धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुधामा रहे थे, यह प्राचीन स्थल पर आज भगवान श्री कृष्ण की कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और विधायक जैन द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं भगवान कृष्ण को पालकी में विराजमान कर गांव में बड़ी धूमधाम के साथ भ्रमण कराया गया, जिसमें पुलिस बैंड और ढोल धमाके भी मौजूद रहे। वहीं पूरा गांव भक्तों के जयकारों से गूंज उठा। वहीं पुलिस के जवानों के द्वारा भगवान महाकाल की तर्ज पर भगवान श्री कृष्ण को गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं पुलिस के जवानों के द्वारा एक से बढ़कर एक धार्मिक धुन की प्रस्तुतियां भी दी गई। साथ ही जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। तो वहीं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं पर समाज सेवक विजय सिंह गौतम द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। वहीं साथ ही क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस भक्तों के साथ भक्ति में लीन होते हुए नजर आए और नाचते झूमते नजर आए। नारायण धाम समिति का कहना है कि इतिहास में पहली बार भगवान श्री कृष्ण की सवारी निकाली गई, जो कि मुख्यमंत्री जी के कारण संभव हुआ है। वहीं समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार माना और धन्यवाद भी दिया। कहा कि नारायण धाम को तीर्थ स्थल घोषित करने और मंदिर को भव्य बनाने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं समिति द्वारा बताया गया कि नारायण धाम में जन्माष्टमी के पर्व पर 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें एडिशनल SP नितेश भार्गव, थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर, SDM अजय हिंगे, जनपद CEO मीणा झा मौजूद रही। हम यही कहना चाहेंगे, एक विधायक होने के नाते और चुनाव के अंदर में यहाँ आया था, इसी द्वार पे और इसी जगह खड़े होके हमने, ये गवाह है यहाँ के लोग, हमें नहीं पता था कि मैं विधायक बनूंगा, मुख्यमंत्री यहाँ से बनेंगे, लेकिन यहाँ के नागरिकों के साथ मिलकर, यहाँ के भक्तों के साथ मिलकर हमने एक घोषणा करी थी कि इसको इतना भव्य बनाएंगे कि इसका विश्व में नाम हो, यहाँ वो सभी सुविधा दी जाएगी जो एक बड़े धार्मिक स्थल में हो। जिस तरीके से महाकाल लोक है, उसी तरीके से नारायणा लोक बने, ऐसी भावना यहाँ के गांव के लोगों के साथ मैंने चुनाव के कैंपेनिंग में इसी जगह पर बैठकर की थी। तो एक कुदरत का करिश्मा देखो, एक सरकार BJP की बनी, कांग्रेस की बनी, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री उज्जैन का बन गया, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। तो ये नारायणा धाम की कृपा है, यहाँ के लोगों का जो आस्था और विश्वास था उसके कारण ही यहाँ से CM बना है। तो अब उनकी जवाबदारी है, एक विधायक होने के नाते मेरी भी जवाबदारी है, एक विपक्ष में रह के मेरे को भी जो आवाज उठाना पड़ेगी मैं वो विपक्ष में आवाज उठाऊंगा और मुख्यमंत्री जी के सामने नारायणा धाम को, ऐसे उनकी भावना है कि पूरा ही बना रहे, ऐसी इच्छा है, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं कंधे से कंधा मिला के नारायणा गांव के साथ खड़ा रहूंगा और विश्व में इसकी पहचान बने और मेरा भी नाम हो जाए भगवान, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और दिल से, दिमाग से, अच्छी सोच के साथ मैं नारायणा धाम के विकास में आगे बढ़ूंगा। इसके आसपास के चारों रोड जो मैथपुर को जोड़ते हैं, उज्जैन को जोड़ते हैं, इधर उन्हेल को जोड़ते हैं, वो चारों डबल लाइन हो जाए, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बन जाए, एक पर्यटन विभाग की यहाँ पर होटल्स बन जाए, बड़े जिस तरीके से जो हॉल होते हैं, सेमिनार हॉल होते हैं, धर्म सभा के हॉल होते हैं, वो हॉल बन जाए, अच्छी लेटरिन बाथरूम की व्यवस्थाएं हो जाए, अच्छे क्लब कॉम्प्लेक्स हो जाए, और मैं तो ये चाहूंगा कि यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल जाए, और जो भी भगवान हमारे दिल में लाएगा वो सब बातें हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं तो बोलेंगे, और विधानसभा में अगर कोई जरूरत पड़ी
तो मुख्यमंत्री जी से हम भी दो दो हाथ करेंगे, मजा बहुत आएगा। नारायण धाम का विकास करेंगे। देखिए मैं आपको एक तो ये बात कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के उन मुख्यमंत्री जी को मोहन यादव जी की, जिनकी वजह से क्या है यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर का पहली बार महितपुर विधानसभा में श्री कृष्ण भगवान के मंदिर पे आज पूरे प्रशासन ने पूरे लवाजमे के साथ, पूरे ताने बाने के साथ और पूरी रणभेरी बजाते हुए इसका शिलान्यास किया, शुभारंभ किया। और इतनी बड़ी आज हम लोगों के लिए गौरव की बात है इस महितपुर विधानसभा के लिए कि महाकाल के बाद अगर नंबर आता है हमारे उज्जैन संभाग में तो गार्ड ऑफ ऑनर का सिर्फ नारायण धाम में आता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन के उन अधिकारियों को, इन पर हमारी पुलिस विभाग के अधिकारियों को, बाहर से आए पुलिस बैंड के उन समस्त जवानों को, आरक्षकों को, प्रधान आरक्षकों को और उनके अंदर जो TI हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने यहाँ पर आके हमारे बीच में आकर हमारे यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर का इंतजाम किया, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, हमने भी उनका भव्य स्वागत किया, उन्होंने हमारे भगवान का स्वागत किया, हमने उनका स्वागत किया। मैं धन्यवाद समस्त लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी महती भूमिका दी है। मैं सभी धर्मालु श्रद्धालु गणों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ शर्मा परिवार का, जिसके कारण हमारे नारायण मंदिर की ये प्राचीन संपदा आज तक यथावत बनी है। मैं पूरे शर्मा परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ही आज हजारों साल पुरानी ये परंपरा जिस तरह भी रही, छोटी रही, बड़ी रही, और आज इसका विकराल भव्य रूप बनने जा रहा है और ये यहाँ पर महाकाल लोक की तर्ज पे नारायण श्री कृष्ण लोक बनने जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। और जन्माष्टमी की यहाँ पर मुझे पहली पूजा दी गई है, मेरी ओर से ध्वजारोहण किया जाएगा, सुबह मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर आकर भगवान का पूरा हम लोग उनका करेंगे, उनको फूल पत्ती से पूरा सजाएंगे, प्रसाद का हमारी ओर से है, पूरा ध्वजारोहण भी मेरी ओर से है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे जन्माष्टमी के दिन प्रथम पूजा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मेरे परिवार को प्राप्त हुआ। मैं मंदिर समिति, प्रशासन और समस्त उन लोगों का आभारी हूँ जिन लोगों ने मेरा नाम चयनित किया, चिन्हित किया और आज मुझे यहाँ बुलाने का मौका दिया। सुबह 6 बजे जन्माष्टमी के रोज मैं और मेरी पत्नी हम यहाँ पर पूरा अभिषेक भी करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे ध्वजारोहण भी करेंगे और भगवान के यहाँ की पूरी साज सज्जा से लेकर पूरी व्यवस्था मेरे जिम्मे की गई है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मंदिर समिति नारायणा के उन शानदार और जानदार उन लोगों का जिन लोगों ने यहाँ पर इतने अच्छे प्रोग्राम का इंतजाम किया। और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जिनकी वजह से आप हमको गार्ड ऑफ ऑनर दे पाए यहाँ पर और ये हम सब लोगों को मिली। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय नारायण धाम। कुशाल ठाकुर की रिपोर्ट।